नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में इंडी गठबंधन अपने समर्थक जुटाने में लगा हुआ है और दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए गठबंधन भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र से ये खबर आ रही है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे प्रमुख राज ठाकरे एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इस खबर के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुट के होने के बावजूद एनडीए को महाराष्ट्र में मनसे का साथ लेना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि मराठा वोटर्स को खींचने के लिए ही एनडीए ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को अपने साथ किया था। तो क्या अब एनडीए को मराठा वोट हासिल करने के लिए राज ठाकरे का भी साथ लेना पड़ेगा, वो भी तब जब राज्य में मनसे का सिर्फ एक ही विधायक है और संगठन भी उतना ताकतवर नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति के जानकारों का कहना है कि संगठन के पीछे कई बड़े कारण हैं। चलिए एक एक करके सभी कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। जानकारों का कहना यह है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को लेकर क्लियर नहीं है कि लोकसभा चुनाव में मुंबई और आसपास के इलाकों में उद्धव गुट और कांग्रेस का गठबंधन उन्हें कितना नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे पिछली बार के लोकसभा चुनाव में यहां सभी सीटों पर एनडीए की ही जीत हुई थी, लेकिन इस बार बीजेपी कोई भी रिस्क लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। यहां जीत हासिल करना बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे गुट या कांग्रेस की सीट मुंबई या उसके आसपास के इलाकों में आ जाती है तो इससे उनकी पार्टी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। इसी को काउंटर करने के लिए एनडीए मजबूत लोगों को अपने पाले में शामिल कर रहा है। बता दें कि मुंबई और इसके आसपास की सीटों पर 20 मई को पांचवें चरण के दौरान वोटिंग होनी है। दूसरा कारण ये है कि मुंबई और आसपास की सीटों को जीतने के लिए बीजेपी प्लान बना रही है। एबीपीसी वोटर सर्वे के मुताबिक महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया ब्लॉक के खाते में अभी 42.1 और एनडीए के खाते में अभी 42.7% वोट पड़ने का अनुमान है। और सीटों की बात करें तो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 28 और महाविकास अघाड़ी के खाते में 20 सीट आ सकती हैं। इन आंकड़ों से आप खुद ये अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में टक्कर कितनी ज्यादा जबरदस्त है। और कहा यह भी जा रहा है कि इसी को देखते हुए, इन आंकड़ों को देखते हुए बीजेपी की ओर से राज ठाकरे को संपर्क किया गया है। जानकारी के मुताबिक दक्षिण मुंबई की सीट पर बात चल रही है और इसका असर मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में भी देखने को मिल सकता है। तीसरी वजह है कोर मराठी वोटर्स को अपने पक्ष में लाना, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि शिवसेना का कोर मराठी वोटर पर बहुत ज्यादा दबदबा है और उद्धव ठाकरे के समर्थन में है वो। एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी में ट्रांसफर होने की उनकी संभावनाएं कम है। ऐसे में अगर राज ठाकरे जैसा चेहरा एनडीए के साथ होगा तो कम से कम उन वोटों को साथ में लाने की कोशिश बीजेपी की सफल हो जाएगी। चौथी वजह है मनसे के लिए अलायंस में आना एक मजबूरी है। राज ठाकरे के लिए भी एनडीए अलायंस में आना एक बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि उनकी पार्टी का ग्राफ धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है। पिछले चुनाव के नतीजों के हिसाब से देखा जाए तो मनसे के 1-2% वोट ही बचे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में मनसे ने बीजेपी और पीएम मोदी का समर्थन किया था, लेकिन 19 के चुनाव में राज ठाकरे ने यूटर्न मार लिया और पीएम मोदी का विरोध किया। और बता दें कि राज ठाकरे की पार्टी ने 19 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ा था। पांचवी वजह है राज ठाकरे का हिंदुत्व कार्ड। राज ठाकरे को लगता है कि उद्धव ठाकरे के कांग्रेस के साथ जाने से हिंदुत्व की जो पिच है वो खाली पड़ गई है और बीजेपी के साथ गठबंधन से उनकी पार्टी को बूस्ट मिलने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि राज ठाकरे पर अपनी पार्टी के कैडर का भी दबाव है। ऐसे में एनडीए में आकर राज ठाकरे न सिर्फ मनसे को बचा सकेंगे बल्कि उन्हें अपना वोट प्रतिशत बचाने और लोकसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने का भी मौका मिल सकता है। आपको बता दें कि रोचक बात यह है कि राज ठाकरे की एनडीए में शामिल होने की बातचीत सिर्फ और सिर्फ बीजेपी हाईकमान के साथ चल रही है। इसमें शिंदे गुट या अजीत पवार गुट को शामिल नहीं किया गया है, यानी इसका मतलब साफ है कि जो भी गठबंधन की बातचीत होगी वो बीजेपी के साथ होगी और किसी के साथ नहीं। कहा यह भी जा रहा है कि इसमें विधानसभा सीटों के लिए भी बातचीत हो सकती है और फिलहाल महाराष्ट्र में एक नए राजनीतिक समीकरण के उभरने की तैयारी अंतिम रूप में है। अब यहां सवाल ये उठता है कि क्या मराठा वोटर्स को रिझाने के लिए बीजेपी मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में रह रहे हिंदी भाषी लोगों के गुस्से को झेलने के लिए तैयार है, क्योंकि समय समय पर राज ठाकरे यूपी बिहार से मुंबई काम के लिए गए लोगों के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं। राज ठाकरे ने तो यहां तक कह दिया था कि महाराष्ट्र में मराठियों का सम्मान करो वरना थप्पड़ के लिए तैयार रहो, नहीं माने तो कान पकड़कर खदेड़ दिए जाओगे। बता दें कि यूपी बिहार से काम के चलते 20 से 30 लाख लोग महाराष्ट्र में रह रहे हैं और इनमें बड़ी संख्या में मजदूर, रिक्शा चालक और दुकानों पे काम करने वाले लोग शामिल हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी क्या मराठा वोटर्स के लिए हिंदी भाषी लोगों की नाराजगी उठाने के लिए तैयार है। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए बीपी लाइव। धन्यवाद।